हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये टॉपिक और इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे थे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, मेरे फेसबुक पेज पे, इवन मेरे मेल्स पे एंड वीडियो के नीचे, कि जो आपका एब्डोमिनल एरिया होता है यानी कि पेट के नीचे के साइड का जो बल्जी सा एरिया होता है उसे कैसे कम करें। और उस चीज़ को कम करने के लिए आई थिंक एक्सरसाइज भी उतना ज़्यादा उस पर काम नहीं करती है, या तो आप बहुत ज़्यादा सेटअप्स मारें और बहुत ज़्यादा आप फाइबरस खाना खाएं तब जाके वो बल्जी पेट कम होता है। लेकिन जिस चीज़ के बारे में मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो डायरेक्टली उसी जगह पे काम करता है, वो चाहे आपकी प्रेगनेंसी के बाद का पेट हो या प्रेगनेंसी के पहले का पेट हो, वो चीज़ जाके डायरेक्टली उस जगह पे काम करेगा और उस जगह की फैट को बर्न करेगा। इवन जो आपका नेचुरल पेट है वो उससे निकल के आ जाएगा। वो क्या है, कैसे लेना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे न्यू चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, लिंक मैंने नीचे दे दिया है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये पूर्णिमा चूर्ण जो मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया था, वीडियो आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह आप चेकआउट कर सकते हैं। तो पूर्णिमा चूर्ण चाहिए इसके लिए 4 टेबल स्पून, क्वांटिटी आपको 4 टेबल स्पून ही लेना है। देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या करना है, जो ये ब्लैक पाउडर बन जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए इसमें 1 टेबल स्पून चारकोल पाउडर, जी हाँ चारकोल पाउडर, और इसे आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये आपका हो गया काला पाउडर, और ये काला पाउडर आपके एब्डोमिनल एरिया का जितना भी फैट है, इट मीन्स आफ्टर प्रेगनेंसी या फिर जो आपकी बैली है वो थोड़ी बल्जी सी हो गई है, आगे की तरफ निकल आई है, तो ये काला चूर्ण काफ़ी अच्छे से आपके पेट की जितनी भी गंदगी है उसे अवशोषित करेगा। अब मैं बता नहीं सकती कि ये आंतों की सफाई कितने अच्छे से करेगा, ये आपके बॉडी में जो भी फैट है उसे कितनी तेज़ी से बर्न करेगा, और इसे लेना कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आपको इसको लेना है 1/2 टेबल स्पून पानी में मिला के, गुनगुने पानी में मिला के सुबह और शाम लेना है। इसके बाद देखिएगा मैजिक क्या होगा, और बल्जी जो आपकी बैली है जो आगे की तरफ निकल आई है, चाहे वो प्रेगनेंसी से पहले की हो या बाद में हो, उसे बहुत तेज़ी से अंदर करेगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, देखा इसको बनाना आसान है। अगर पूर्णिमा की रेसिपी आपने नहीं देखी है तो लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।